तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे, वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका, सतत कर्तव्य करीत राहा। आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल, उठा जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही। मैं आप लोगों का सिर्फ 8 से 10 मिनट समय लूंगा और जो भी प्रश्न मैं करूं उसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं क्या, हाँ या ना? मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? एक गुब्बारा बेचने वाला था, क्या बेचता था? गुब्बारा। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में खरीदने की इच्छा होती है, यस और नो? हाँ या ना? एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला। और गुब्बारे वाले के शर्ट को नॉक किया, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले की आंख भर आई, वो बोला, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। गुब्बारा किस वजह से उड़ता है? गैस। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। चाहे उस गुब्बारे का रंग लाल हो, पीला हो, नीला हो या काला हो, हाँ या ना? उसी तरीके से जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आज आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है। आप थोड़ा जोर से बोलो, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है। आपके अंदर इच्छा कितनी है? अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। कोई भी गुब्बारा जिसमें गैस भर दी जाती है वो गुब्बारा उड़ता है, उड़ता या नहीं उड़ता? उड़ता है। आप सभी बच्चे गुब्बारे के तरह हैं। किस तरह हैं? गुब्बारे। अगर आप भी अपने अंदर पढ़ने की इच्छा रखें, अगर आप भी किताबों से पढ़ाई करें तो आप भी एक दिन गुब्बारे के तरह उड़ सकते हैं। उड़ सकते या नहीं उड़ सकते? उड़ सकते। आपको आपके बचपन की बात मैं याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? हाँ।
और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था, हाँ या ना? हाँ। हर बार गिरने के बाद अगर आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था, तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? हाँ। और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए, हाँ या ना? हाँ। आज भी आपको वही काम करना है, जिस तरीके से आपने ए लिखना सीखा उसी तरीके से बाकी चीजें भी सीखना है, हाँ या ना? हाँ। और अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो ए के तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। आज भी टीचर्स आपको कई सम्स पढ़ाते हैं, कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। और प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। सभी बच्चे बोलो हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? हम। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है या मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। नक्की? ठीक है। एक प्रश्न और करता हूँ कि जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? मिला। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? मिला। अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? चालू। अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं। कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, हाथ उठाओ। सबों को महान व्यक्ति बनना है, हाँ या ना? हाँ। आपको क्या करना है, प्रयास चालू रखना या बंद रखना? चालू। नक्की? हाँ। अब लास्ट प्रश्न करता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसको जीवन में क्या बनना है, सोचा है या नहीं सोचा है? सोचा है। और जिस बच्चे ने भी अगर नहीं सोचा है कि उसको जीवन में क्या बनना है तो वो सोच लेना। एक छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी बस में सवार होते हैं और बस का कंडक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है। बस का कंडक्टर क्या पूछता? कहाँ जाना है। और आप उसको बोलते कि मालूम नहीं है। आप क्या बोलते? मालूम नहीं है। तो बस का कंडक्टर आपको कहाँ का टिकट देगा? अगर आप बस कंडक्टर को बोलते कि मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना, तो बस का कंडक्टर आपको कहाँ का टिकट देगा? बस स्टॉप। कहाँ का? बस स्टॉप। बस स्टॉप का आपको कहीं का टिकट नहीं देगा, बाहर जाने देगा। वो पूछेगा ना, भैया जाना कहाँ है? हाँ। और आप बोलेंगे मालूम नहीं, तो वो आपको कहीं का टिकट नहीं देगा। और कुछ दूर जा करके आपको बस से नीचे उतार देगा। सभी बच्चे बोलो, कुछ दूर जा करके आपको बस से नीचे उतार देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। फुटबॉल जानते हैं आप लोग? सभी बच्चे। अगर फुटबॉल में गोल पोस्ट नहीं हो, गोल पोस्ट समझते हैं? हाँ। जहाँ गोल करते हैं। हाँ। अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो आप कहाँ गोल करेंगे? कहाँ गोल करेंगे? नहीं। उसी तरीके से अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको जीवन में क्या बनना है और क्यों बनना है, तो आप वो बन पाएंगे क्या? नहीं।
अगर आपको मालूम नहीं कि जीवन में क्या बनना है और क्यों बनना है तो आप वो बन पाएंगे क्या? नहीं। तो जो भी एक दो बच्चों ने अभी तक ये नहीं सोचा हो कि जीवन में क्या बनना है, वो सभी बच्चे सोच लेना कि क्या बनना है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों बनना है, बनकर हम क्या करेंगे। यस और नो? तो आप बताओ, आपने कुछ सोचा है क्या, क्या बनना है? अच्छा, संवाद, संवाद समझते हैं, बोलना, कम्युनिकेशन। संवाद करने में संकोच नहीं करना, संवाद करने में संकोच नहीं करना, क्योंकि अगर आप बचपन में चलने में संकोच करते तो आप चलना सीख पाते नहीं। अगर आप ए लिखने में संकोच करते, ए लिखना सीख पाते नहीं। आप में से कई बच्चे साइकिल चलाते होंगे, चलाते हैं क्या? अगर आपने जब साइकिल चलाने की शुरुआत की थी उस समय आपको साइकिल चलाना आता था नहीं। अगर आप शुरुआत करने में संकोच करते, गिरने के डर से आप साइकिल चलाने की शुरुआत नहीं करते तो आज साइकिल चलाना सीख पाते नहीं। उसी तरीके से अगर आज आप बोलने में संकोच करेंगे, हमारी ओर देखो, अगर आज आप बोलने में संकोच करेंगे तो आप बोलना सीख पाएंगे नहीं। तो मैं जो भी प्रश्न करूं उसका आप जवाब दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि बचपन में भी आपने गिरने की चिंता की थी क्या? नहीं। जो आदमी शुरुआत करेगा उससे गलती हो सकती है, हो सकती या नहीं हो सकती? हो सकती है। लेकिन शुरुआत करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है। तो आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसको जीवन में क्या बनना है, सोचा है या नहीं सोचा है? सोचा है। आप बताओ, कुछ सोचा आपने क्या बनना है? आपने आपने कुछ सोचा? हाँ बेटा, डॉक्टर बनना। जो राजस्थान क्या बनना है? डॉक्टर। ठीक है, आपने कुछ सोचा? आपने और किसी बच्चे ने कुछ सोचा क्या बनना है? रेज योर हैंड। पुलिस बनना है। हंसना नहीं बेटा, पुलिस बनना। कोई बच्चा अगर साइकिल से गिरता तो हम उसको गिरते हुए देखकर हंसते क्या? नहीं। उसकी मदद करते या नहीं करते? करते। और किसी बच्चे ने सोचा क्या बनना है? किसी बच्चे ने और कुछ सोचा है? नहीं। तो आप लोग सभी बच्चे सोच लेना कि कुछ ना कुछ बनना है, क्या बनना है। यस और नो? और सोचना क्यों जरूरी है आपको बताया मैं? क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है तो बस का कंडक्टर आपको बस से नीचे उतार देगा। उसी तरीके से अगर आपको मालूम नहीं कि आपको जीवन में क्या बनना है तो आप वो बन पाएंगे क्या? नहीं। तो सोचना जरूरी है या नहीं है? नहीं। आप सभी बच्चे कब तक सोच लेंगे? एक महीना, दो महीना, एक साल, पाँच साल, दस साल, कब तक सोच लेंगे? ठीक है, हाथ पीछे करो। और सोचने में दस साल कितने बच्चों को लगेगा? हाथ उठाओ। सही बच्चे एक साल में सोच लोगे। यस और नो? अब लास्ट बात आपको बताता हूँ कि आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करते और जो आपने सोचा है वो आप बन जाते तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? दस साल पढ़ाई नहीं करते, समय बर्बाद करते, स्कूल में आ कर के भी टीचर की बात पर ध्यान नहीं देते, घर पर जा कर के टेलीविजन देखते,
टेलीविजन देखने से कोई फायदा होता क्या आपको? नहीं। और पढ़ाई करने से कोई फायदा होता क्या? नहीं। तो अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करेंगे तो आपने जो सोचा है वो आप बन जाएंगे। बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। और जो आपने सोचा वो बन जाएंगे तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? हमको। आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? हमको। तो आपके पास विकल्प नंबर एक है, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। विकल्प नंबर एक क्या है? 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। और विकल्प नंबर दो है, 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। विकल्प नंबर दो क्या? 10 साल का आराम, 40 साल की परेशानी। ध्यान से सुनना, कितने बच्चों को विकल्प नंबर दो चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? सभी बच्चे 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। आप एक नारा बना लेना, जब भी सवेरे असेंबली होती है या आपस में मिलना, एक बच्चा बोलना 10 वर्षा ची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा ची आराम। एक बच्चा क्या बोलेगा? 10 वर्षा ची मेहनत, 40 वर्षा ची आराम। हाँ, कोई एक बच्चा आओ और वो बोलो 10 वर्षा ची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा ची आराम। मन इधर आके बोलो बेटा, संकोच नहीं करने का। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। दोबारा बोल, दस साल की, दस साल की मेहनत, 40 साल का आराम। दस साल की, दस साल की मेहनत, 40 साल का आराम। करता हूँ तुमसे, इस बच्चे ने आके यहाँ पर बोला, इससे इसका आत्मविश्वास बढ़ा या घटा? बढ़ा। आगे से इसको बोलने में डर लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और बड़े होकर के ये स्पीकर बन सकता या नहीं बन सकता? बन सकता। एक बच्चा और आओ और बोलो 10 साल की मेहनत, बोले थे या पटकन 40 साल हो गया इच्छा मोटे बोले आपको आगे बढ़ाना है तो आपको भी प्रयास करना है। करना या नहीं करना? करना। अब अपनी बात मैं 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। लास्ट बात आपको मैंने बताई, 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है। सस्ता है या महंगा है? सस्ता। आप सभी तैयार हैं? यस। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। मेहनत करा और 40 वर्ष आराम करा। 10 वर्ष जर अभ्यासाची मेहनत केली तर पुढे 40 वर्ष आपण सुखात बघू शकणार आहोत हे सांगितलं ना? सांगा ना, मला छान वाटलं। मला कोण सांगते? चांगलं वाटलं आणि मला कळलं पण, मला 10 वर्ष मेहनत करायची आणि 40 वर्ष आराम करायचे। आराम करू शकतो। आराम कर। 10 वर्ष फक्त 10 वर्ष कष्ट करा, तुम्हाला आराम झाला आहे पुढे। मला हे कळलं की नाही का जीवनामध्ये पुढे जाईल, 10 वर्ष मेहनत करेल, 40 वर्ष आणि मला निर्वाचित करून येतो। 10 वर्ष मेहनत, 40 वर्ष आराम। कभी कभी टेज पर कहीं बोलने का संकोच नहीं करना। ये सीखा हमने।
काही गोष्टी सांगितल्या, तुम्हाला टिप्स दिल्यात वेगवेगळ्या की यशस्वी जीवन जगण्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे हे छान सांगितलं, की तुमच्या चेहऱ्यावर दिसलं पाहिजे, आनंदी चेहरे दिसले पाहिजे. आज गुरुवार दिनांक 22/12/2016 रोजी आपल्या शाळेमध्ये माननीय श्री राजेश टेकरीवाल सर आले आणि मुलांना एकदम छान की तुमच्या वयातला आज तुम्ही लहान मुलं आहात, तुमच्या आयुष्याला ध्येय आहे. काय ध्येय आहे की तुम्हाला आता अभ्यास करायचा आहे आणि त्या अभ्यास करण्यासाठी जरी तुम्हाला काही गोष्टी येत नसल्या, काही अभ्यास येत नसल्या, तरी तुम्ही अपयशाने खचून न जाता काय करायचं आहे त्याच्यावर तुम्ही मात करायची, त्या संकटांवर मात करून चांगला अभ्यास करायचा आहे, मनाची एकाग्रता निर्माण करायची. याच्यासाठी तुम्हाला त्यांनी काही मंत्र सांगितले. कोणते मंत्र सांगितले त्यांनी तुम्हाला सांगावर का? आनंद की काय केलं पाहिजे, थोडीशी आत्ता मेहनत घेतली तर तुमचं संपूर्ण सुखात जाणार आहे. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जे तुमच्यामध्ये हा सुंदर अमूलाग्र असा बदल केला, त्यांचा वेळातल्या वेळ काढून ते आपल्या बाल विकास प्रायमरी शाळेमध्ये आलेत, म्हणून आपल्या सर्व शाळेच्या तर्फे, संस्थेच्या तर्फे, सर्व शिक्षक स्टाफच्या तर्फे सर्वांकडून त्यांचं आपण हार्दिक अभिनंदन करूयात. आणि आपल्या शाळेच्या ज्येष्ठ शिक्षिका माननीय पासकंटी मॅडम यांनी त्यांना गुलाबपुष्प व नारळ देऊन त्यांचा सत्कार करावा असं मी त्यांना विनंती करते. 1-2-3 मध्ये टाळ्या वाजवायच्या.